हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूरी और आज मैं बना रही हूँ चावल की खीर। तो चलो बनाते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा चावल, इसे हम अच्छे से धो लेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा घी, उसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स ब्राउन होने के बाद हम इसे निकाल देंगे। उसी पैन में हम डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध को हमें आधा पौन घंटे तक उबालना है। जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं होता है तब तक हम इसे उबालेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, इसे हम अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना रहे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते आप। इसे जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर और इलायची पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी शक्कर। शक्कर डालने के बाद हम इसे फिर से उबालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धोए हुए चावल। चावल को हमें धीमे आंच पे अच्छे से पकाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स ताकि ये भी उसमें पक जाए। आधे घंटे के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। और इसी तरह बन गई है हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।